आपने मुझे कैद खाने में बंद कर दिया, चारों तरफ संतरी पहरा बिठा दिया। आपने सोचा कि रानी जिंदा को कैद करके रखेंगे, लेकिन मैं जा रही हूँ, मैं जादुई ढंग से आपकी नाक के नीचे से जा रही हूँ। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की खूबसूरत पत्नी और पंजाब की शेरनी महारानी जिंद कौर को विद्रोही रानी द मिसालिना ऑफ पंजाब और द क्वीन मदर जैसे नामों से याद किया जाता है। उन्हें रानी जिंदा भी कहा जाता है। वो सिखों के शासनकाल में पंजाब के लाहौर की अंतिम रानी थी। रानी जिंदन कौर, जो अपनी सुंदरता और साहस के लिए जानी जाती थी, 1843 और 1846 तक सिख साम्राज्य की राज्य संरक्षक थी। वे महाराजा रंजीत सिंह की आखिरी पत्नी थी, जिन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था। जिंदन कौर के पिता, जो महल के कर्मचारी थे, महाराजा रंजीत सिंह ने उनसे उनकी बेटी का हाथ शादी में मांगा था। 1835 में जिंदन कौर की प्रतीकात्मक रूप से एक तीर और तलवार के साथ शादी की गई थी, जिन्हें महाराजा ने उनके गांव भेजा था। इस प्रकार वे महाराजा की 17वीं रानी थी। महाराजा रंजीत सिंह की सभी पत्नियों में महारानी जिंदन कौर सबसे सुंदर, बहादुर, राजनीति के प्रति इच्छुक और उत्साही थी। वे एक निडर महिला थी, जिसके कारण उन्हें द आयरन लेडी या लोहा महिला का दर्जा दिया गया था। जिंदन कौर ने 1838 के सितंबर में एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दिलीप सिंह रखा गया। जिंदन कौर ओलक का जन्म 1817 में चचर गुजरावाला में एक शाही पशुओं के रखवाले मन्ना सिंह ओलक के घर में हुआ था। उनके बड़े भाई थे जवाहर सिंह ओलक, जो सिख खालसा सेना द्वारा हत्या किए जाने तक सिख साम्राज्य के वीर रह चुके थे। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद जिंदन कौर और उनका बेटा जम्मू में राजा ध्यान सिंह की देखभाल में गुमनाम तौर पर रहने लगे, जो रंजीत सिंह के भाई गुलाब सिंह द्वारा शासित था। महाराजा शेर सिंह की हत्या के बाद 5 वर्षीय दिलीप सिंह को महाराजा घोषित कर दिया गया। इस प्रकार जिंदन कौर धीरे धीरे एक राज्य संरक्षण के साथ साथ पंजाब में संप्रभुता का प्रतीक भी बन गए। उन्होंने घूंघट रखना बंद कर दिया, दरबार आयोजित किए और व्यक्तिगत रूप से सैनिकों को संबोधित करना भी शुरू कर दिया। उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे खतरनाक थे वे सिख गुट, जो गुप्त रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बातचीत में थे। उन्होंने बहादुरी से उनका सामना किया, जिसमें उन्हें बड़े राजनेताओं और सैन्य नेताओं की एक नव नियुक्त परिषद की सहायता भी मिली। हालांकि 13 दिसंबर 1845 को ब्रिटिश गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग ने सिखों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिसमें सिखों को उनके प्रधान सेनापति लाल सिंह और राजा तेज सिंह के विश्वासघात के कारण पराजय का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात 1846 के मार्च में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। दिलीप सिंह महाराजा के तौर पर और रानी जिंदन कौर राज्य संरक्षण के रूप में बने रहे। हालांकि दिसंबर में उन्हें एक ऐसे परिषद द्वारा संरक्षक के पद से प्रतिस्थापित कर दिया गया था, जो एक अंग्रेज निवासी के नियंत्रण में था। उनके राज ही जिंदन कौर को 150,000 रुपये की वार्षिक पेंशन दी जाने लगी। अगस्त 1847 में दिलीप सिंह ने तेज सिंह को सियालकोट का राजा घोषित करने से इनकार कर दिया। तब अंग्रेजों को एहसास हुआ कि महारानी भारत में ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर बाधा साबित हो सकती थी।
उन्होंने रानी को बदनाम करने के लिए एक अभियान शुरू किया जिसमें उन्हें पंजाब की मैसालिना के रूप में चित्रित किया गया, एक ऐसी जादूगरनी जिसे नियंत्रित करना बहुत ही कठिन था। उन्होंने महसूस किया कि रानी का सहयोग करने से इंकार और दिलीप सिंह पर उनका मजबूत प्रभाव मिलकर पंजाब के लोगों में विद्रोह का कारण बन सकते थे। इसीलिए उन्होंने माँ और बेटे को अलग करने का फैसला किया। 9 वर्षीय दिलीप को उनके निजी शिक्षक एक ईसाई मिशनरी के साथ इंग्लैंड जाना पड़ा, जहाँ वे ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। महारानी जिंदन को उत्तर प्रदेश के शेखपुरा और फिर चुनार किले में कैद कर लिया गया। हालांकि उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया, लेकिन महारानी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। 1 साल बाद वे एक नौकर का रूप धारण करके अंग्रेजों की नाक के नीचे से भाग निकली। उन्होंने संरक्षण की तलाश में नेपाल के जंगलों में पैदल यात्रा की, जहां उन्हें वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा ने शरण दी। दिलीप सिंह को उनकी मां के जाने के बाद जॉन लॉगिंग की देखभाल में रखा गया था, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा अखिल भारत में सबसे विश्वसनीय पुरुषों में से एक माना जाता था। दिलीप सिंह का पालन पोषण अंग्रेजों की तरह हुआ था। रानी ने अपने बेटे को फिर से देखने की अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। आखिरकार 14 साल बाद जब अंग्रेजों को ये विश्वास हो गया कि अब वे उनके लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं रहे, तब स्पेस होटल में उनका अपने बेटे के साथ पूर्ण मिलन हुआ। हालांकि रानी जिंदन अपने बेटे के लिए कभी भी राज्य हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उनके पुनर्मिलन ने दिलीप सिंह को सिख धर्म में वापस परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया। रानी जिंदन कौर ब्रिटिश विरोधी भावनाओं और साहस का एक प्रतीक थी। उनका एक प्रतिष्ठित दर्जा था, क्योंकि वे अंग्रेजों के सामने खड़ी होने वाली आखिरी व्यक्ति थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों की तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 1 अगस्त 1863 को उनका निधन हो गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइए।